गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी। तो हिंदी में अब तक हमने सारे स्वर का क्या किया था? रिवीजन। उसके बाद हम व्यंजन देखेंगे। तो व्यंजन में सबसे पहला क्या आता है? क। क से क्या होता है? कबूतर। और क से कमल। सबसे पहले हम लिखेंगे नोटबुक के अंदर और उसके बाद टेक्स्ट बुक में। ओके, तो चलो सिखाती हूँ। सबसे पहले क से कबूतर कैसे लिखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में क से कबूतर लिख दिया है। ऐसा देख के आपको बाकी जो बॉक्स है उसमें लिखना है। तो सबसे पहले करेंगे हम एक स्टैंडिंग लाइन बीच में से। ओके, ये कर दी। फिर इस साइड से क करके इस साइड तक, और फिर बीच में ऊपर क्या बनाएंगे? एक स्लिपिंग लाइन। कैसे लिखते हैं? तो बीच में से पहले एक स्टैंडिंग लाइन करनी है, फिर यहाँ से कर्व करके इस साइड पर जाना है, और फिर ऊपर क्या बनानी है? स्लिपिंग लाइन। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? क से कबूतर। क्या बन जाएगा? क से कबूतर। क्या बोलते जाना है? क से कबूतर। ये सब कुछ हमने जूनियर केजी में पढ़ लिया था ना? यस, अभी तो हम सबको आता ही है, सिर्फ थोड़ा सा रिवाइंड ही करना है। ओके, तो ये क्या बन गया? क से कबूतर। ऐसे बोलते जाना है और लिखना है, बिना बोले लिखना नहीं। ओके, इस तरह से पूरे पेज में आपको लिखना है क से कबूतर। एक बार नोटबुक में फिनिश हो जाए उसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट बुक में। तो चलो देखते हैं टेक्स्ट बुक। तो ये देखो बच्चों, ये है हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 4। ओ, पेज नंबर 4 पे यहाँ पे क्या दिया है? क, बड़ा सा क दिया है। फिर क्या लिखा है? क से कबूतर और क से कमल। फिर ऊपर की 2 लाइन से उसमें हमें क्या करना है? ट्रेसिंग। और नीचे की जो 3 लाइन से उसमें हमें खुद लिखना है। और लास्ट में क्या दिया है? एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में यहाँ पे क्या है? क। तो क के हमें कलर करना है, और फिर ये क्या है? कबूतर। तो उसका कलर कौन सा होता है? ग्रे कलर। तो कबूतर में ग्रे कलर करना है, और इसमें आपको जो भी कलर पसंद हो वो करना है। तो चलो ऊपर लिखते हैं, सबसे पहले ट्रेसिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे रखी मैंने पेंसिल। पहले बनाएंगे हम एक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से कर्व करके इस तरफ, और फिर ऊपर क्या बनाएंगे? स्लिपिंग लाइन। ऊपर स्लिपिंग लाइन कंपलसरी बनानी है, क्योंकि ये हिंदी का सब्जेक्ट है तो ऊपर हमें लाइन बनानी पड़ेगी। ओके, फिर ये करके इस तरह से क से कबूतर ऐसे बोलते जाना है और लिखना है। ओके, क्या बोलना है? क से कबूतर ऐसे बोलना है और लिखना है। इस तरह से ये दोनों लाइन से उसको ट्रेसिंग करना है, और बाद में जो नीचे बॉक्स दिए है उसमें हमें खुद लिखना है। ओके, तो चलो उसमें लिखते हैं। पहले बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से कर्व करके ऐसे, और फिर ऊपर एक स्लिपिंग लाइन। ओके, चलो फिर से सिखाती हूँ। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से कर्व करके ऐसे, और फिर एक स्लिपिंग लाइन। इस तरह से क्या लिखना है? क से कबूतर। ओके, सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से कर्व करके इस तरफ, और ऊपर एक स्लिपिंग लाइन। क से कबूतर। क्या बोलना है? क से कबूतर ऐसे बोलते जाना है और लिखना है। इस तरह से ये 3 लाइन्स आपको कंप्लीट करनी है, और उसके बाद जो एक्टिविटीज दी है उसे कंप्लीट करना है, और बाद में फोटो खींच के मुझे सेंड करना है। ओके, बाय बाय।